आपसे कहा था ना फरीदा आपा कि जुम्मन अब जवान हो गई है, संभालो उसे, लेकिन आप है कि मेरी सुनती नहीं है। अरे मेरी बेटी ने नहीं, तुम्हारी बेटी जन्नत ने गजब कर दिया। अल्लाह, अब क्या कर दिया इस लड़की ने? मत पूछो कि उसने क्या किया। फरीदा आपा, आप मुझे बताएंगी कि उसने जो नहीं किया है? अरे मेरी किस्मत ही फूटी थी, छत पे मैंने अचार सुखाने को रखा था, कमबख्त ना जाने कहां से आ गई, सारे आचार जार से निकाल के चील कौओं को खिलाने के लिए छोड़ दिया। अल्लाह, ये तो बहुत गलत हुआ। वही तो। लेकिन फरीदा आपा, ये बताइए कि चील कौए भी अचार खाते हैं? मुझे क्या पता, मैं क्या चील कौआ हूँ कोई? लेकिन नुकसान तो करा दिया ना तुम्हारी लाडली ने मेरा। हाँ वो तो है, ठहरिए, आज जब वो घर लौटेगी ना तब खूब पिटाई करूंगी मैं उसकी। अरे नाना, उसकी पिटाई मत करना, उसे अकल कहाँ है। बस उसे समझाओ कि वो बड़ी हो गई है, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे। यही तो बदकिस्मती है, गरीबी की वजह से इतने मोहताज हो गए हैं हम कि उसका इलाज तक नहीं करा सकते। हाँ मैंने भी किसी से पूछा था, जन्नत को जो बीमारी है उसका इलाज है सायरा। लेकिन कैसे हो सकता है फरीदा आपा, उसके लिए तो हमें शहर जाना होगा, लाखों रुपए खर्च होंगे, कहाँ से लाऊंगी मैं ये रुपए। जन्नत के अब्बू तो मुझे वक्त से पहले छोड़कर चले गए, और जो मैं सिलाई बुनाई करती हूँ उससे तो मुश्किल से दो वक्त की रोटी का गुजारा होता है। फिक्र ना करो, अल्लाह कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा, वो बड़ा रहमो करम वाला है। बेशक वो रहमो करम वाला है, रब्बुल आलमीन है वो, लेकिन इस वक्त वो हमसे रूठा हुआ है, उसे हम पर तरस भी नहीं आता। ना ना सायरा, ऐसी बातें नहीं करते, ना उम्मीदी कुफ्र है, वो हमेशा वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, जरूर इसमें कोई मसलियत होगी उसकी। हाँ है मसलियत, लेकिन क्या है ये तो रब ही जाने। फिलहाल तो हमारे लिए जिंदगी मुसीबतों का सामान बनी हुई है, ना चाहते हुए भी ना उम्मीदी जहन में घर कर गई है, क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं समझती हूँ कि तुम पे क्या गुजरती होगी। खैर अब मैं चलती हूँ, जब जन्नत आए तो उसे मारना पीटना मत, प्यार से समझाना उसे। मैं तो समझाऊंगी, लेकिन वो समझे तब ना। अब जिसका नुकसान होगा वो तो शिकायत करेगा ही, बस इतनी गुजारिश है तुमसे कि उसे मारना मत। जी आप। ये लड़की सिर्फ शर्मिंदा करती है मुझे दूसरों के आगे, अल्लाह खैर करे। मिनी,
फौजिया बेटा एक बात करनी है। ये जो आपकी जन्नत आपा हैं, ये हमें देखकर भाग क्यों जाती हैं? आप बताइए, हम शक्ल से कोई गुंडे मामले लगते हैं क्या? चाचा जान, आप तो गुंडे लगते नहीं हो, आप तो गुंडे हो। लाहौल विलाह खबर, बड़े शरारती बच्चे हैं आप लोग। अच्छे खासे इंसान को गुंडा बना दिया आपने। खैर छोड़ो इन बातों, ये बताइए जो सारी बातें हैं, ये जो आप कह रही हैं, ये आपको पता था कौन है? चाचा जान, ये भी कोई बताने की बात है? आप अपना चेहरा आईने में नहीं देखते? हमारा मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग, हैं है ना? कोई बात नहीं। खैर आप ये बताइए कि ये जन्नत गई कहाँ? अगर आपने हमें रोका ना होता तो हम बताते ना आपको। वाह जी वाह, वल्ला इद्दी सी हो लेकिन जबान कैंची की तरह चलती है आपकी। अब हम जाएं? हाँ जाओ, लेकिन जाने से पहले कुछ बात करनी है आपसे। फिर कभी कहिएगा, अभी हम बहुत जल्दी में हैं। अरे बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है। आप जन्नत से कहिए कि मैं उनसे कुछ। हम आपके नौकर लगते हैं, हम क्यों कुछ जाके कहें? हम जाके जन्नत की अम्मी को कह देंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, बड़े शरारती बच्चे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हम जाएं? हाँ हाँ, आप जाओ। अच्छा सुनो, जन्नत से कहना कि हम भी दोस्त हैं उनके, जैसे आप लोग हैं ना उनके दोस्त, वैसे हम भी उनके दोस्त हैं। आप बच्चों से दोस्ती करेंगे? अच्छा अब हम जाएं? आपके चक्कर में पता नहीं जन्नत कहाँ चली गई होगी। चलो चलते हैं। मेरे मालिक, अम्मी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। पहले हाथ मुंह तो धो ले। वो तो धो लूंगा अम्मी। वैसे अम्मी अप्पया कहाँ है? कहीं उधम मचा रही होगी, हैरान करके रख दिया इस लड़की ने मुझे। आज का क्या अप्पया ने? तुझे नहीं पता, फरीदा आपा की छत पर चढ़ गई थी वो, उन्होंने अचार सुखाने के लिए रखा था, सारा के सारा बर्बाद कर डाला। ठीक ही तो किया। ठीक? इसमें क्या ठीक किया उसने? पता भी है फरीदा आपा ने मुझे कितनी बातें सुनाई है। अब ठीक ही तो क्या अप्पया ने? परसों पतंग चली गई थी मेरे छत पर, उन्होंने आज तक वापस नहीं की है। अब रोज रोज तुम्हारी पतंग हर किसी के छत पर कटती रहेगी तो कौन भला वापस करेगा उसे? अब तू चुपचाप खाना खा और जाके अपनी अप्पिया को ढूंढ। वैसे भी आजकल तेरा पढ़ाई में कम और पतंगबाजी में ज्यादा ध्यान लगा हुआ है। क्या है अम्मी, मैं हमेशा क्लास में अव्वल तो आता हूँ, अब पतंग उड़ाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। बिल्कुल बुरी बात नहीं तो और क्या है? दिन भर कड़ी धूप में घूमता है, भागता है और पतंगबाजी में पैसे उड़ाता है, ये बुरी बात नहीं तो और क्या है? मैंने कहा ना, चुपचाप से खाना खा और जाके अपनी अप्पिया को ढूंढ के कहाँ गई है। तब तक मैं जरा निखत के आ जाके कपड़े देकर आती हूँ, और जल्दी लौट कर आना, नहीं तो खैर नहीं है तेरी। ठीक है अम्मी, सबको मैं ही दिखता हूँ अप्पिया को ढूंढने के लिए, वो भागती है और उसे मैं ढूंढता हूँ। लगता है मेरी जिंदगी तो ऐसी बीत जाएगी। अब्दुल चाचा, आपने जन्नत को देखा क्या? ला हौल विला कुव्वत। अरे क्यों सुबह सुबह उल्टी सीधी बातें कर रहा है? अल्लाह बचाए, अरे ये मेरी कोई उम्र है जन्नत देखने की? हैं? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, पोती नाती देखूंगा उसके बाद। अरे अभी जन्नत देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। अल्लाह बचाए। अब्दुल चाचा, मैं उस जन्नत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन जन्नत की बात कर रहा हूँ।
अच्छा अच्छा वो जन्नत। अबे तो ये क्या तुझे रेलवे का इंक्वायरी काउंटर दिख रहा है? जन्नत कहाँ है? अरे वो कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उड़ती फिरती है तितली की तरह। अब मुझे क्या पता तेरी जन्नत कहाँ है? अल्लाह बचाए, जन्नत वाह, क्या नाम रखा है माँ बाप ने, और हरकतें तो देखो, अल्लाह बचाए। एक बार तो मेरी मुर्गी का दड़बा ही खोल दिया। अरे एक एक मुर्गी को बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के मैंने फिर से दड़बे में डाला है। जन्नत कहाँ है? कोई बात नहीं चाचा, मैं जाकर देखता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। ये लीजिए अपने कपड़े। सारा आपा, आपकी सिलाई हुई कपड़े तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। आपने जिस कपड़े को हाथ लगा दिया उसकी खूबसूरती तो और बढ़ जाती है। शुक्रिया। और बताइए, शरबत पियेंगी आप? नहीं नहीं, अभी तो मैं घर जाऊंगी। पता नहीं सुबह से जन्नत कहाँ घूम रही है। मैंने इमरान को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। कहाँ जाएगी, आ जाएगी घर पे। मैं शरबत लेके आती हूँ, आप आती हैं और चली जाती हैं। अब क्या करूँ, घर में इतना काम होता है, ऊपर से बच्चों को संभाल ले, उसके बीच में सिलाई के लिए वक्त निकाल लेती हूँ। पता नहीं कहाँ वक्त गुजर जाता है। वो तो है, चाचा मियाँ का इंतकाल के बाद आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, बच्चों को भी संभाल रही हैं और घर को भी संभाल रही हैं। कोई दूसरी औरत होती तो कब की टूट जाती। वक्त सब कुछ सिखा देता है। वो तो है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है सारा आपा। अल्लाह आपको लंबी हयात दे ताकि बच्चों को संभाल सके। वैसे आप जन्नत को दिखाते ही नहीं किसी से। कैसे दिखाऊंगी, आजकल अगर बुखार की दवा भी लेने जाओ ना तो पूरे 100 रुपए खर्च हो जाते हैं, और फिर जन्नत के इलाज के लिए तो बहुत पैसे खर्च होंगे। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? इसमें क्या है, सब मिलके इंतजाम करेंगे। सब जन्नत को प्यार करते हैं और सब आपकी इज्जत भी करते हैं, मिलजुल के पैसों का इंतजाम हो जाएगा, वरना कब तक आप उसे घर में बिठा के रखेंगे। आज नहीं तो कल हाथ पीले तो करने होंगे, और उसके लिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं पैसों के लिए किसके आगे हाथ फैलाऊं, और फिर मेरा जमीर गवारा नहीं देता कि इस खैरात जकात के पैसे पर मैं जन्नत का इलाज कराऊं। कैसी बात कर रही हैं आपा, सब लोग मदद करेंगे, इसमें खैरात जकात की तो बात ही नहीं है। फिर भी मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। चलिए आपकी बात भी ठीक है, जो दिल को गवारा ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। मेरा एक भाई है, खाला का लड़का, बड़ा डॉक्टर है, मैं एक दिन उसे बुलाऊंगी, फिर जन्नत को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तुमने जन्नत के बारे में इतना सोचा उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा लेकिन अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो शरबत के बारे में भूल ही गई, मैं लेके आती हूँ। शरबत मैं फिर कभी पी लूंगी। आप चुपचाप बैठे, हमेशा अपने नहीं करते आपा, मैं लेके आती। अरे मेरी बात तो सुन। अरे भाग क्यों रहा है? अरे अरे रुक इमरान, रुक। सलाम चाचा। बुड्ढा लगता हूँ क्या मैं? चाचा बोल रहा हूँ मुझे। माफ कीजिए चाचा। ये चाचा? कहाँ जा रहा है? जन्नत को ढूंढने। अच्छा अच्छा अच्छा, जन्नत को ढूंढने क्यों जा रहा है? जहन्नुम को क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरी बहन है। अरे मुझे पता है तेरी बहन है, अगर जन्नत तेरी बहन नहीं होती तो क्या होती?
किसी और की बहन होती? बहन की होती, भाई की नहीं होता। जी मुझे देर हो रही है। देर हो रही है? तुझे कैसे पता चला देर हो रही? क्योंकि वक्त जाया जा रहा है। वक्त जाया जा रहा है? तेरे पास घड़ी है? जी नहीं है। तो फिर कैसे बता रहा है जाया जा रहा वक्त? मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे देर हो रही है, अम्मी उधर इंतजार कर रही होंगी। एक बात बता, अम्मी तेरा इंतजार कर रही है या तेरी बहन का? दोनों का। दोनों? कि तू तो है क्या? इसलिए तो जा रहा हूँ। हाँ। जन्नत को ढूंढने। हाँ तो जा ना, मत बर्बाद क्यों कर रहा है मेरे। मैं तो जा रहा था, आपने रोका मुझे। हाँ जा जा, जबान चलाते आजकल के लड़के। ना जाने कौन सी तालीम, कौन सा अदब सिखाया जा रहा है आजकल की नस्लों को। अल्लाह खैर करे। अरे रुक, अरे मुझे ये तो बता दे, खालिद भाई ने मुर्गी चोरी करके क्या किया? अरे भाई रुक, ओए भाग गया है। फौजिया, क्या हुआ? तुमने अब्बिया को देखा क्या? अभी तो हमारे साथ खेल रही थी। पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मी कब से उसका इंतजार कर रही है, मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। अरे बाबा, सबको पता है कि जब वो कहीं ना मिले तो नदी किनारे गई होगी अकेले। वो तो मुझे भी पता है, वो नदी के किनारे जब ही जाती है जब वो नाराज होती है। उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं खुद जाके देख लूंगा। हुस्न देखा है, कब से चंद रुपयों से गुजारा चला रहा हूँ। बड़ी दौलत हाथ लगी है मौला, बस बेड़ा पार लगा दे। मौला जन्नत अगर हाथ लग गई ना तो कम से कम लाख के वारे न्यारे हो जाएंगे, और अपनी जिंदगी तो जन्नत ही जन्नत। ऐश ऐश। क्या हुआ इमरान, जन्नत कहाँ है? इमरान खामोश क्यों हो, जवाब दो। पता नहीं कहाँ चले गए, पूरा गांव ढूंढ लिया। क्या कह रहे हो इमरान, मगरिब हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो तुम्हें जन्नत नहीं मिली? तब से ही तो ढूंढ रहा था उसे। या अल्लाह, अब मैं उसे अकेले कहाँ ढूंढने जाऊं। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं। मैं थक गया हूँ अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो इमरान, जन्नत नहीं मिल रही और तुम उससे कह रहे हो कि तुम थक गए। आप ही जाओ अम्मी, मेरे से नहीं होगा। या अल्लाह, हाँ मैं ही जाती हूँ, लेकिन हाँ जब तक मैं घर पर वापस ना आऊं तुम यहीं पर रहना, कहीं मत जाना। जी अम्मी। या अल्लाह खैर करना। जन्नत, अरे जन्नत बिटिया, अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ छुपी हुई है तू, जान ले लेगी मेरी तू एक दिन। का लहजा कभी रागों की है ये रागिनी।
मुस्कुराना हर घड़ी इसकी फितरत है, किसने क्या पाया ये उसकी किस्मत है। जन्नत है, जन्नत।